सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन का प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए। ये सब फ्री है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे आलू के कटलेट बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। आलू के कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। 800 ग्राम मैंने आलू लिए थे, आलू को उबाल लिया है। उबाल करने के बाद अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें तमाम अज्जा शामिल करेंगे। सबसे पहले स्पाइसेस ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के, सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल करेंगे 1 टीस्पून, अजवाइन शामिल करेंगे 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पीसी हुई शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी। अब लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्ची ऐड करेंगे, 3 से 4 हरी मिर्ची हैं, उनको बारीक बारीक काट लिया मैंने। हरा प्याज ऐड करेंगे 1/2 प्याली है, इससे भी बहुत अच्छा कटलेट में फ्लेवर आएगा। लास्ट में हम हरा धनिया ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं, अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। बहुत ही ज़बरदस्त आलू के कटलेट बनते हैं। तमाम अज्जा मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, अब कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाएंगे, जितने बड़े आप कटलेट बनाना चाहते हैं उस शेप में बना लें। कोटिंग के लिए मैंने 2 अदद अंडों को मैंने बीट कर लिया है। ये देखें, 2 अदद अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया। और कोटिंग के लिए मैंने 2 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए थे और चॉपर में मैंने अच्छी तरह से क्रम्स बना लिए। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे। कटलेट एक रेडी हो गया, अब मैं कोटिंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद क्रम्स की कोटिंग करेंगे। फ्रेश क्रम्स की बहुत अच्छी कोटिंग होती है। 2 ब्रेड के स्लाइस लें, चॉपर में आप क्रम्स बना लें। ये देखिए हमारा कटलेट रेडी हो गया। इसी तरह तमाम कटलेट रेडी कर लेंगे। तमाम कटलेट की मैंने कोटिंग कर ली है, अब फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। कटलेट को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने पैन में ले लिया था, ऑयल गर्म हो चुका हुआ है। एक एक करके ऐड करते जाएंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर हम कटलेट को फ्राई नहीं करेंगे। जितनी आसानी से आ सकते हैं उतनी आप शामिल करें कटलेट। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें, जैसे ही एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगे फिर दूसरी तरफ टर्न करें। आलू के कटलेट हमारे एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, टर्न करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। जैसे दूसरी तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी कटलेट हम फ्राई कर लेंगे। आलू के कटलेट हमारे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। कटलेट भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे, एक एक करके शामिल करते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, बहुत ही अच्छा कलर आया है कटलेट को। जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। जैसे एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फिर दूसरी तरफ टर्न करेंगे। कटलेट हमारे एक तरफ से ब्राउन हो चुके हैं, अब टर्न करेंगे। हरा प्याज रोज शामिल करें, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है स्नैक के तौर पे। बनाएं जरूर शाम की चाय के साथ, बच्चों को बना के दें, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा।
जैसे ही ब्राउन हो जाते हैं फिर निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू के कटलेट रेडी हैं। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।